ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर पंजाब दे किसानां दा पंजाब दा हर खदशे दे नाल जुड़िया होया है कि केंद्र सरकार दावा कर रही है कि किसानां दी आमदन दुगनी होएगी, किसानां नूं फायदा होएगा, लेकिन दूजे पासे किसान विरोध कर रहे ने, सड़कां ते बैठे हुए ने। इस पूरे मसले दे उत्ते गलबात करन दे लई खेतीबाड़ी मंत्री मेरे नाल नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो पंजाबी च गलबात इन्हां दे नाल करांगे और समझांगे कि इस वेले जरूरत क्यों पई, कोरोना काल च जरूरत क्यों पई। और जदों जिन्हां किसानां दी तुसीं गल कर रहे हो, वो किसान तो सड़कों पर बैठे हुए हैं, किसान धरने लगा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि पंजाब के किसानों को मारिया जा रहा है केंद्र सरकार वालों। मैं इस अवसर पर पंजाब के और देश भर के किसान भाइयों और बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो विधेयक ला रही है, ये विधेयक किसान के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं, कृषि को समृद्ध बनाने वाले हैं। किसान जो अभी APMC कानूनों की जंजीर में जकड़ा हुआ था, उसको स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। मूल्य आश्वासन विधेयक के माध्यम से ये पहला कानून बनने जा रहा है जिसमें बुआई के समय ही किसान चाहे तो प्रोसेसर के साथ समझौता करके अपनी फसल का भाव तय कर सकता है, और जो करार में फसल का भाव तय होगा वो फसल का भाव देने के लिए व्यापारी और प्रोसेसर कानूनी रूप से बाध्य होगा, ये प्रावधान भी हमने इसमें किया है। जहाँ तक कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक का मामला है, उस मामले में हम लोग ये प्रावधान करने जा रहे हैं कि अभी तक सामान्य तौर पर जो किसान भाई हैं वो अपना उत्पादन मंडी में लेकर आते हैं, मंडी में 10, 12, 15, 20, 25 लाइसेंस वाले जो व्यापारी हैं वो उसके उत्पादन का ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन में जो मूल्य तय हो जाता है वो मूल्य किसान की मर्जी का ना हो तो भी किसान को शाम को उसको मंडी में बेचकर ही जाना पड़ता है। हमारा यह विधेयक APMC एक्ट को प्रभावित नहीं करता, मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। APMC एक्ट राज्य का विषय है, राज्य जैसे चाहे उसमें कानून बना सकता है, जैसे चाहे उसमें फीस लगा सकता है, लेकिन हम इस विधेयक के माध्यम से मंडी प्रेमाइसिस के बाहर जो पूरा इलाका है, चाहे वो किसान का घर हो, चाहे वो किसान का खेत हो, चाहे वो उसका वेयर हाउस में रखा हुआ सामान की जगह हो, वह अपने स्थान से किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर और किसी भी मनचाही कीमत पर अपना उत्पादन बेच सकता है। जो मंडी प्रमाइसिस के बाहर ट्रेड होगा उस पर किसी प्रकार का टैक्स न तो राज्य सरकार का लगेगा और ना ही केंद्र सरकार का लगेगा। मैं समझता हूँ यह विधेयक किसानों को स्वतंत्रता देने वाला है, किसान अपनी मनचाही कीमत पर मनचाही व्यक्ति को अपना उत्पादन इस विधेयक के पारित होने के पश्चात बेच सकेंगे। इसमें किसानों का हित ही हित है, इसमें किसानों को किसी प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक MSP का सवाल है, MSP की खरीद जैसी होती थी वैसी ही आने वाले कल में भी होती रहेगी। इस विधेयक में जो बात कही गई है वो MSP पर खरीद के पश्चात जो साल भर ट्रेड होता है उस पर यह कानून लगेगा, और MSP के मामले में किसी को कोई चिंता और शंका करने की आवश्यकता नहीं। तोमर साहब, क्योंकि मैं पंजाब तो आना और बहुत सारे पंजाब के किसानों ने मेरी गलबात हुई, बठिंडा तो सोहन सिंह पूछ रहे ने कि सरकार ये गारंटी लेगी कि MSP खत्म होएगी या नहीं होएगी, क्योंकि लगातार शंके ने कि MSP अगले 3-4 सालों च सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है, अगले 3-4 सालों च MSP खत्म हो जाएगी। तुसी न्यूज़ 18 ते गारंटी देंदे हो कि MSP नहीं खत्म होएगी? मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, दुष्प्रचार कर रही है। इस एक्ट से MSP का कोई वास्ता नहीं है। MSP भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। MSP पर खरीद होती थी, होती है और आने वाले कल में भी होती रहेगी।
इसमें किसी को अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है और राजनीतिक सियासत के बहकावे में किसी किसान को आने की जरूरत नहीं है। एक अमृतसर तो रविंदर सिंह होरी किसान ने वो पूछ रहे ने कि मंडियां खत्म कर दी जाएंगी जिहड़ियां छोटिया छोटिया मंडियां ने हर जिले दे विच ने की वो मंडियां खत्म होणगियां इस कानून दे नाल? नहीं, मंडी मैंने बताया ना कि मंडी राज्य का विषय है, मंडी पर हमारा कानून बिल्कुल भी नहीं लगता है। किसान के पास दोनों विकल्प मौजूद रहेंगे, वो अपना माल मंडी में बेचना चाहता है तो मंडी में बेचे, मंडी के बाहर बेचना चाहता है तो मंडी के बाहर बेचे। मंडी में टैक्स लगेगा, मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा। और राज्य सरकारों को चाहिए कि मंडियों में भी वो ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे किसान को सुविधा हो। एक क्योंकि मंडियां च पंजाबी च कहा जाता आढ़ती बैठे होंगे ने, आढ़तियों को फसल जाती है वो पैसे देंगे ने, अगर कितने कर्जे की भी जरूरत होंगी है तो वो कर्जा आढ़तियों को लै लेंगे। आढ़तियों का रोल खत्म हो जाएगा या आढ़ती रहेंगे मंडियों के? देखिए, आढ़तिया विषय अलग है, मेरा एक्ट जो है वो किसान के लिए है जी। मैं चाहता हूं किसान के उत्पादन की खरीद हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। एक लुधियाना तो किसान ने सुरेंद्र सिंह हो रही हो, वो एक इस गल नूं पूछ रहे ने कि वड्डे किसानां नूं तां इसका फायदा मिलेगा लेकिन जिहड़े छोटे किसान ने, छोटा किसान मारिया जाएगा जदों कॉरपोरेट घरानियां दी एंट्री होगी। यह कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट घरानियां दी एंट्री होगी, पहला तीन चार साल तां मुनाफा दिता जाएगा लेकिन उस तो बाद वो अपनी मर्जी के रेट जिहड़े ने वो तय करनगे और छोटा किसान मर जाएगा क्योंकि पंजाब च 2 एकड़ के ज़्यादातर किसान ने, पंजाब च 5 एकड़ के ज़्यादातर किसान ने, 70% इस तरीके नाल 2 या 5 एकड़ के। जो किसान भाइयों के मन में ये संदेह है उनके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं आपके माध्यम से विनम्रता पूर्वक किसानों को आग्रह करना चाहता हूँ, ये दोनों एक्ट सिर्फ छोटे किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, सिर्फ छोटे किसान को फायदा पहुंचाने वाले हैं। छोटा किसान आज भी अपने उत्पादन को मंडी में नहीं ला पाता, उसको MSP का भी फायदा नहीं मिल पाता। ये जो एक्ट है ये एक्ट किसान के घर से ही खरीद होगी और कोई कॉरपोरेट वॉरपोरेट नहीं आएगा, डेमोक्रेसी है, कॉरपोरेट कैसे किसान को कर लेगा? किसान हमारे देश की ताकत है, छोटा व्यापारी भी हमारे देश की ताकत है, किसी का भी नुकसान इससे होने वाला नहीं। मंत्री जी एक सवाल होर, अगर किसानों को तुसी समझा सको 5 फायदे जिहड़े नवे कानून आए हैं, 5 फायदे जिंदे नाल तुसी कह रहे हो कि किसानों की जिंदगी बदलेगी, जो 70 सालों च किसान क्योंकि अन्नदाता कहा जाता है पूरे देश का ढिड भरता, तो उसके 5 फायदे दस दो। देखिए, किसानों को कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के माध्यम से किसानों की फसल बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? किसान को ही फायदा मिलेगा क्योंकि व्यापारी तो टैक्स देता नहीं, व्यापारी को जितना टैक्स देना पड़ता है उतना किसान से कम में खरीदता है। तो एक तो टैक्स फ्री होगा तो इसका किसानों को फायदा होगा। दूसरा, अभी तक कोई भी कानून इस बात का प्रावधान नहीं करता कि किसान का पेमेंट 3 दिन के भीतर होना चाहिए। हमारा ये एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि किसान का 3 दिन के भीतर पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो मूल्य आश्वासन हमारा दूसरा एक्ट है, जैसे छोटे किसान की बात आपने कही, आज एक किसान 2 एकड़ वाला है, अब 2 एकड़ वाला किसान न तो खुद अपने खेत में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्योंकि उसकी ताकत नहीं है, कोई भी बड़ा आदमी उसके पास इसलिए नहीं पहुंचता कि वो किसान के उपज का वॉल्यूम इतना कम है कि वो कहाँ उससे खरीदने के लिए जाए। तो इस एक्ट के माध्यम से जब ओपन खरीद हो जाएगी तो किसान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बड़ा व्यापारी किसान के घर तक, किसान के खेत तक पहुंचेगा, इसका फायदा किसान को मिलेगा। दूसरा, ये मूल्य आश्वासन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि फसल की बुआई के समय करार होगा और जब बुआई के समय करार होगा तो करारकर्ता और किसान एक औसत कीमत करार में तय करेंगे। कोई भी कानून आज तक बुआई के समय
इस कीमत पर माल खरीदा जाएगा ये प्रावधान नहीं करता। इसमें बुआई के समय दोनों लोग एग्रीमेंट करेंगे कि इतना मूल्य आपकी फसल का मैं दूंगा, और जो औसत मूल्य करार में तय होगा, मान लो फसल आई जी। और फसल के समय भाव काफ़ी अच्छा है जी। तो उसी एग्रीमेंट में ये भी प्रावधान होगा कि भाई अगर बाजार में मूल्य इस औसत मूल्य से इतना बढ़ गया तो इतना प्रतिशत जो करार में तय होगा वो किसान को और मिलेगा। तीसरा इसका फायदा यह है कि करारकर्ता और किसान के बीच में जो औसत मूल्य का करार होगा वह करारकर्ता देने के लिए बाध्य होगा। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई कीड़ा लग जाए, उससे फसल नुकसान हो जाए, तो करारकर्ता को वो औसत मूल्य तो देना ही पड़ेगा। हमने ये भी प्रावधान किया है कि दोनों के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो किसान से सिर्फ उतनी ही वसूली की जा सकेगी जो प्रोसेसर ने उसको आदान दिया है। मान लो उसने बीज दिया है या कुछ और दिया है, बाकी कोई वसूली किसान से नहीं की जा सकती। दूसरा, जो वसूली करने की बात कभी निर्णय में आएगी भी तो किसान की ज़मीन के अगेंस्ट वो वसूली नहीं की जा सकती। मतलब कोई भी ये निर्णय नहीं दे सकता कि भाई इतना पैसा इनको देना है, अब किसान की ज़मीन नीलाम कर दो और इनका पैसा पटाओ। वो आप तय कर सकते हो भाई इतना पैसा तुमने लिया, बोले हाँ लिया। लेकिन मंत्री यही शंके ने किसानों नू ये कहा जा रहा है या किसान इस गल नू समझ रहे ने कि हुण अपनी जमीन दे मालक नहीं रहेंगे, कॉर्पोरेट घराने जो कर्ज दे देंगे तो वो सिर्फ खेती करेंगे लेकिन अपनी जमीन दे मालक भी नहीं रहेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि किसानों को एक्ट पढ़ना चाहिए। इस एक्ट में जमीन से संबंधित कोई लिखा पढ़ी नहीं हो सकती है, स्पष्ट प्रावधान किया है। यानी कि किसान अपनी जमीन के मालक रहेंगे, कोई नीलामी नहीं हो सके। कोई भी प्रोसेसर, कोई भी फैक्ट्री का मालिक, कोई भी उद्योगपति किसान की जमीन से संबंधित करार नहीं करेगा। किसान की खेती पर जो फसल है उससे संबंधित समझौता होगा। किसान की जमीन न तो लिखा पढ़ी में आ सकती है, ना ही किसान की जमीन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा। और अगर प्रोसेसर खेती कर रहा है तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक भी किसान ही होगा, प्रोसेसर का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। मंत्री जी, एक बठिंडा तो सवाल आया, उन्होंने एक किसान को यह शंका है कि अजे तक फिलहाल चावल ते आटा, चावल ते गेहूं जड़ी है वो एक एक दाना केंद्र सरकार FCI के जरिए चकती है, लेकिन आने वाले समय के एक कोटा कर दिया जाएगा क्योंकि पहला पंजाब और हरियाणा चावल और कनक करते सी, लेकिन आज मध्य प्रदेश भी कर रहा, राजस्थान भी कर रहा, बिहार भी कर रहा, दूजे सूबे भी कर रहे हैं, तो एक कोटा कर दिया जाएगा कि इस तो ज्यादा सरकार जी है वो कनक नहीं चुकेगी, इस तो ज्यादा चावल नहीं चुकनगे, फिर उस तो बाद कॉरपोरेट घराने आएंगे, वो अपनी मर्जी के रेट जोड़े ने वो देने घट रेट देने, शुरुआती दौर तीन चार साल ज्यादा रेट दे सकते हैं, इस तरीके के भी शंके आ रहे हैं। इस सब प्रकार का भ्रम है, इस भ्रम में किसी को आने की जरूरत नहीं है। MSP पर जैसे खरीद होती थी वैसे ही खरीद होती रही। न्यूज 18 तो कह रहे हो कि कोई कोटा फिक्स नहीं किया जाएगा पंजाब हरियाणा का, एक एक दाना चावल दा आटे दा चुकया जाएगा आने वाले समय दे विच भी। जब मैं कह रहा हूँ आपको कि MSP पर जैसे खरीद होती थी वैसे ही खरीद होती रहेगी, लेकिन किसान नहीं समझ रहे। किसान तुसी किसानों लिए इन्ना वधिया बिल लैके आए तुहाडे मुताबिक, लेकिन किसान उही किसान जिन्हां लिए तुसी बिल लैके आए वो सड़कां ते बैठे हुए ने, वो दिल्ली के जंतर मंत्र से बैठे ने, वो हरसिमरत कौर बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, केंद्र सरकार सारे दी कोठियां दा खराब भी कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इस गल नूं समझ रहे अगर किसानों नूं इन्ना लाहा मिल रहा है, इन्ना फायदा मिल रहा। जो पॉलिटिकल लोग हैं अगर वो सियासत नहीं करेंगे तो वो बिल को समझ सकते हैं, किसानों तक पहुंचाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है ये कुछ पॉलिटिकल लोग ही इस पर सियासत कर रहे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। थोड़े दिन में हम किसानों को समझाने में सफल होंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन तुहाडी अपना सहयोगी दल अकाली दल हरसिमरत कौर बादल होरां ने इस्तीफा दे दिता, तुसीं उन्हां नूं भी नहीं समझा सके? हरसिमरत कौर बादल नाल कल मैं गलबात कर रहा सी, वो कहिंदे कि मैं किसानां तों माफ़ी मंगदी हाँ, मैं केंद्र सरकार नूं नहीं समझा सके। नहीं नहीं, देखिए दरअसल मैंने कहा ना, सियासत में सब आ जाते हैं, अकाली दल सब आ जाते हैं सियासत, सियासत को किसान से दूर रखना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
जेडे किसानों के जवाब सके, चाहे जलंधर के किसानों ने सवाल पूछे, चाहे अमृतसर के किसानों ने सवाल पूछे, बठिंडा के किसानों ने जेडे सवाल पूछे, वो तमाम सवालों के जवाब लैन की कोशिश खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होरों को ली। और उन्होंने कहा कि किसानों लिए लाभवंद है, लेकिन कुछ सियासी पार्टियां ने अपनी सियासत के लिए इस तरीके दे नाल किसानों नूं गुमराह कर रहे हैं। आने वाले समय च केंद्र सरकार वालों इन्हां किसानों नूं समझाया जाएगा। और एक होर वड्डी गल कही कि जिहड़ी जमीन है, जमीन किसी भी तरीके नाल कोई एग्रीकल्चर की जिहड़ी जमीन है किसी भी तरीके नाल कोई व्यापारी उन्हां ते कब्जा नहीं कर सकेगा, MSP जारी रहेगी। वड्डी स्टेटमेंट न्यूज़ 18 ते नरेंद्र सिंह तोमर खेतीबाड़ी मंत्री वालों दित्ती गई।